क्या आपने कभी कार वाली साइकिल में सवारी की है? कैसा हो अगर आपकी साइकिल की आगे का हिस्सा ही छूमतर गायब हो जाए? क्या आप भी दुनिया की अजीबोगरीब बाईसाइकिल की सवारी लेकर एंजॉय करना चाहते हैं? तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारी इस बाईसाइकिल इन्वेंशन वाली वीडियो में, जहां आपको काफी मजेदार साइकिल्स के इन्वेंशन देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन डालकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर हमारी इस गोलमाल वाली साइकिल पर बैठ जाओ, जो आपको साइकिल की दुनिया की शेयर कराएगा। तो सबसे पहले हम इस कमाल की बाइक को देख लेते हैं। इसे देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसका आगे का हिस्सा कहाँ गया। लेकिन दोस्तों, यही तो इसकी खासियत है। इस बाइक को बर्लिन के एक इन्वेंटर ने डिजाइन किया है। इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, और इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा व्हील और आगे छोटा सा व्हील लगा होता है, और चलाने के लिए इसमें आगे की तरफ पेडल्स दिए होते हैं। लेकिन गाइस, इसमें हैंडल आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ होता है, और इनमें बाकी बाइक्स के जैसे दो ब्रेक्स नहीं सिर्फ एक ही ब्रेक दिया गया है, और आपको इस बाइक के पेडल्स को ही स्टैंड की तरह यूज करना होता है। और बाइक का टोटल वेट भी 9 किलो होता है, जिसे कोई भी आसानी से उठा सकता है। अगर कभी मौका मिले तो क्या आप इस तरह की बाईसाइकिल को ट्राई करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर से बताना। अब गाइज इस बाइक को देख लेते हैं। आप तो इसके लुक से ही इम्प्रेस हो गए होंगे। जब एक कस्टम बाइक को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक बाइक बनकर तैयार होता है। इसके इन्वेंटर का कहना है कि इस शानदार बाइक को बनाने में ही 200 से भी ज्यादा घंटे लग जाते हैं, और इसकी खासियत है कि यह 30 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है और एक ही बार में 30 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। साथ ही इस बाइक को 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके डिजाइन का तो क्या ही कहना, ऐसे दमदार ई बाइक को तो कौन नहीं चलाना चाहेगा। इसका लुक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, जो शायद किसी बाइक की डिजाइन से मिलता जुलता है। अगर आपको बाइक का नाम याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों, अब इस बाइक को देख लेते हैं। इसे खास बनाता है इसका ये हबलस डिजाइन, जो कि काफी यूनिक लुक देता है। इस बाइक को स्टाइलिश बनाने के साथ ही इसे चोरी होने से बचाने के लिए कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यह फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि सिर्फ आपके फिंगर से ही लॉक और अनलॉक होता है, और इसमें लॉकिंग सिस्टम और GPS ट्रैकर का भी फीचर मौजूद है। और साथ ही इसमें स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने बैकपैक को इसके व्हील्स में लगाकर घूम सकते हैं। और इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड 25 माइल्स पर आवर होती है, जिसे बस एक बार चार्ज करने पर यह 37 माइल्स तक की दूरी कवर कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसमें बिल्ट इन फ्रंट लाइट और बैक लाइट भी दिया गया है, जो कि इसके व्हील्स पर ही लगे होते हैं। इस बाइक में आपको मोबाइल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने मोबाइल को रख कर रिवो के मोबाइल ऐप को चला सकते हैं, जिससे आप इस बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे। आपका इस बाईसाइकिल के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके शेयर जरूर करना। क्या आपने कभी स्क्वायर यानी कि चौकोर शेप में आने वाले पहिए के बारे में सुना है? हो गए ना हैरान। अगर आप अपने गोल पहियों से बोर हो चुके हैं तो इस स्क्वायर पहिए वाले इस साइकिल को जरूर ट्राई करें। लेकिन आप इस बाइक को नॉर्मल प्लेन ट्रैक पर तो कभी नहीं चला पाएंगे, नहीं तो आप भी इन जनाब की तरह कोशिश ही करते रह जाएंगे। इन बाईसाइकिल को चलाने के लिए स्पेशली ये लहर वाले ट्रैक इन्वेंट किए गए हैं, जिस पर आप इस साइकिल को आराम से चला सकते हैं। बाकी आम साइकिलों में रोड सीधी होती है और पहिए गोल, लेकिन इसमें पहिए चौकोर है और रोड उबड़ खाबड़ वाले, जिसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है और साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे बाइक्स आपको कई म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां आप इस तरह के बाईसाइकिल को ट्राई कर सकते हैं। सच में यार, ये इन्वेंशन हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए है या फिर और भी ज्यादा मुश्किल? अब नॉर्मल बाइक्स में तो चेन की वजह से काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, और अच्छे खासे कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। इसलिए इन्वेंटर ने इस बाइक को बनाया है, जिसमें से चेन्स को बिल्कुल ही गायब कर दिया है और उसकी जगह पर इन्हें लीवर्स को लगाया गया है। ये लीवर्स डायरेक्टली पीछे के पहिए से ज्वाइंट होता है, जिससे ये बाकी आम साइकिलों से और भी ज्यादा इफिशियंट और पावरफुल हो जाता है। इस बाइक को चलाने के लिए आपको अपने पैर सर्कुलर मोशन में नहीं बल्कि वर्टिकली ऊपर नीचे करने होते हैं, और इसे कार्बन फाइबर फ्रेम और लेटेस्ट स्टैंडर्ड कंपोनेंट से बनाए जाने की वजह से ये लाइटवेट भी होते हैं, जो कि लगभग 8.25 किलो तक का होता है। और साथ ही आप इस बाइक को अपनी जरूरत के अनुसार भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके पास कौन सी बाईसाइकिल है। और गाइज, मुझे ये बताओ, आप लोग शॉपिंग करते हुए कितना पैसा बचा लेते हैं? अरे आपको नहीं पता गाइज, आप USB केबल को 1 रुपए में और ईयरबड्स को 65 रुपए में परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये सब डील्स और डिस्काउंट आपको कहीं
नहीं मिलेगी सिवाय हमारे टेलीग्राम चैनल के। जी हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है जहाँ से आप ज्वाइन होकर अच्छे खासे डिस्काउंट में सभी आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। अमेजन हो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, सभी के डील्स और डिस्काउंट्स आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन होकर इसका फायदा उठाओ। आपने ट्रैक्टर को जमीन पर तो चलते हुए देखा ही होगा, लेकिन अब पानी में भी चलते हुए देख लो। ये वाटर ट्रैक्टर सी बाइक और सी ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। इस बाइक को स्पेशली बीच हॉलीडे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर सैर करने के लिए बनाया गया है। इस बाइक में एक बार में 2 लोग सवार हो सकते हैं और इसे चलाने के लिए पेडल्स भी दिए होते हैं, जिसे आप लोगों को अपने पैरों से चलाना होता है। और इसे चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा बड़े ही आसानी से इसे चला सकता है। और साथ ही इसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, जिससे आप धूप में भी इसका मजा ले सकते हैं। लेकिन जिसे स्पीड पसंद है वो इसकी स्पीड से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि जनाब इसकी स्पीड सिर्फ 5.6 माइल्स पर आवर की होती है, जो कि सच में यार काफी कम है। लेकिन अगर ये पानी पर चल रही है तो शायद ठीक ही है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब चलो इसे देखते हैं, क्या लगता है ये क्या हो सकता है? आप लोग भी इसे देखकर मोटरसाइकिल ही समझ रहे होंगे, लेकिन जनाब ये मोटरसाइकिल के डिजाइन में आने वाली एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसके यूनिक डिजाइन की वजह से कोई भी इसे बाइक ही समझ बैठेगा। इसे स्पेशल बनाता है इसका 1000 hub मोटर, जो कि मैक्सिमम 50 km/h की स्पीड से 30 miles के डिस्टेंस तक चल सकता है। और इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है, जिसे आप जब चाहे हटा सकते हैं। साथ ही इसमें रियर व्यू मिरर और हेडलाइट भी दी गई है, जो कि इसे बिल्कुल बाइक जैसा ही लुक देती है। और इसकी बैटरी को फुली चार्ज होने में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही लगते हैं। और एक बार चार्ज होने पर आप इसे बिना पेडल करे ही 50 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। मुझे तो ये बाइक काफी अल्टीमेट लगी, जिसका लुक ही काफी खतरनाक है। क्या आपने इस तरह की बाइक पहले कभी देखी है? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने नॉर्मल बाइसाइकिल भारी और बड़े साइज के होने के कारण हम उसे हर जगह कैरी या फिर स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए ही इन्वेंटर्स ने ये कमाल का फोल्डिंग ई बाइक बनाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस ई बाइक को जब चाहे जहाँ चाहे 10 सेकंड में फोल्ड करके लेकर जा सकते हैं और 10 सेकंड में अनफोल्ड करके किसी भी ट्रैफिक में से आराम से गुजार सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट में भी इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। और इसमें सेफ्टी के लिए रियर और फ्रंट लाइट भी दिए होते हैं। यह ई बाइक लगभग 25 km/h की स्पीड से चल सकती है और 130 km तक की दूरी कवर कर सकती है। आपको इस बाइक के हैंडल बार पर ही बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, जिससे आप इसके बैटरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। है ना काफी कमाल का इन्वेंशन, जो कि आज सच में हमारी लाइफ को इजी बना देगा। अब आप जो ये बाइक देख रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको चलने में दिक्कत होती है या जो सिंपल वॉक कर करके थक चुके हैं। इस बाइसाइकिल को चलाना सच में काफी मजेदार होने वाला है। ये एक नॉन मोटराइज्ड वॉकिंग बाइक है, जिनमें 3 wheels लगे होते हैं, 2 front में और 1 back में, जिससे बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसको चलाने के लिए कोई पेडल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप इसके हैंडल बार्स और सेडल्स को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सच में यार ये बाइक दिखने में जितनी कूल है, इसके फीचर भी उतने ही मजेदार है। लेकिन गाइस क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। क्या आपने कभी इस तरह के ई बाइक को देखा है? आप इस बाइक में लगे पेडल्स की मदद से कार की स्पीड को मैच कर सकते हैं। यह 2-seater बाइक है, जो कि हेडलाइट, टेल लाइट, सीट बेल्ट जैसे फीचर के साथ आती है। साथ ही इसमें सामान रखने के लिए स्पेस भी होता है, जो कि बाकी आम बाइसाइकिल में नहीं होता। यह आपके पेडल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी रेंज बढ़ जाती है और बैटरी भी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हर टाइम पेडल मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप इसको बिना पेडल के चलाना चाहते हैं तो ये लगभग 80 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है, जो यार सच में दिखने में बिल्कुल कार वाला लुक ही देता है। और बाहर खड़ा बंदा तो इसे लग्जरी कार ही समझेगा। तो गाइज अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इन सभी बाइसाइकिल में से कौन सी बाइसाइकिल आपको आपके लिए परफेक्ट लगी, जिसे आप अपनी ड्रीम कार कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइज अब ऐसे ही कमाल के इन्वेंशन और कमाल कमाल के प्रोडक्ट को फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ गाइज, डील्स और डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो गाइज अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।